नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, लेकर हाजिर हूं पूर्वांचल एक्सप्रेस। दुनिया में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन अपने गांव और अपने घर को शायद ही कोई भूल पाता हो। लेकिन कई बार आदमी मजबूर हो जाता है और गांव और घर की जो खबरें होती हैं, खासकर गांव की, उससे वो लगातार अपने आप को दूर पाता है। और यही कारण है कि उस दूरी को पाटने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं, हमेशा की तरह आज भी और रोज़ रोज़ लाएंगे, जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। चलिए, आइए हमारे साथ दना दन आप भी सवार हो जाइए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी पर और चलते हैं हर स्टेशन पर, जहां पर देखेंगे कि वाकई इस स्टेशन की क्या खबर है। सबसे पहले सफर शुरू करते हैं पूर्वांचल में। इन दिनों दिमागी बुखार का कहर है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बीते 24 घंटों में दिमागी बुखार से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 654 मरीजों को 1 जनवरी से अब तक भर्ती कराया गया है। 131 बच्चों का इलाज अब भी अस्पताल में जारी है, जबकि 1 जनवरी से अब तक 128 बच्चों को दिमागी बुखार से मौत की नींद सोनी पड़ी है। तो वाकई 24 घंटे में अगर 3 बच्चों की मौत होती है गोरखपुर में, तो समझा जा सकता है कि इस बीमारी ने किस कदर आतंक फैला रखा है। इसका जो कहर है वो लगातार बच्चों के ऊपर बरपा जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाकई बच्चों के लिए बहुत ही यह खतरनाक वक्त है, क्योंकि बच्चों की मौत के बाद घर का जो पूरा माहौल होता है वो दुख में बदल जाता है और बच्चे देश के भविष्य कहे जाते हैं। अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही सामने आएगी, तो समझा जा सकता है कि वाकई सरकार को और प्रशासन को और भी ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है, ताकि इन बच्चों की ज़िंदगी सुरक्षित रह सके। चल के लिए तो ये एनकेफ्लाइटिस मुसीबत ही नहीं बल्कि नियत हो गई है। जैसे हर साल बरसात का मौसम आता है, जाड़े का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, उसी तरह से ठीक हर साल एनकेफ्लाइटिस भी अपने समय से बिना नागा आ जाती है, मौसम में शायद देर हो जाए। पीछे मूल वजह यह है कि कभी भी इसके समूल नाश पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, किसी भी प्लानर ने ध्यान नहीं दिया, जबकि उसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की मांग विगत 10 वर्षों से हम लोग एनकेफ्लाइटिस उन्मूलन अभियान के तहत उठाते रहे, खून से खत लिखे, खुलिया का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि वहाँ 4 साल तक तो कोई मौत नहीं हुई उन्हीं 10 बिंदुओं पर राष्ट्रीय प्रोग्राम राष्ट्रीय कार्यक्रम के। तो देश के देशवासी, सारी जनता, सारे नेता इस बात के गवाह हैं कि हम ही ने 1977 में चेचक का उन्मूलन राष्ट्रीय कार्यक्रम के जरिए किया। हम ही ने 2013 में पोलियो का उन्मूलन मात्र राष्ट्रीय कार्यक्रम के जरिए किया है। फिर मैं कहता हूँ, ये फार्मूला एनकेफ्लाइटिस जैसी घातक बीमारी जिसमें कि मृत्यु दर 30% है, जबकि पोलियो में लेस देन 0.25% मृत्यु दर है, उस बीमारी का नाश हो सकता है, तो इस 30% वाली बीमारी का नाश एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को तत्काल, जो कि बन चुका है, लागू करके क्यों नहीं किया जाता। तो वाकई जिस तरह से बच्चों की मौत हो रही है और जिस तरह से प्रशासन की उदासीनता दिख रही है, ऐसे में बच्चों के भविष्य को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने संवाददाता मोहम्मद हुसैन के पास और बताएंगे कि आपको कि वाकई वहाँ पर किस तरह माहौल है। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि ये जो मौतें हो रही बच्चों की, अगर हम सरकार की बात करें तो क्या सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है? क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी जिस तरह से तबाह हो रही है, और अभी जी जो साहब कह रहे थे कि वाकई सरकार ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है, क्या कहेंगे आप? अस्तो जी, आपको बता दें कि सरकार जो भी मंत्री आते हैं या कुछ न कुछ वादा करके जाते हैं, कुछ न कुछ वादा दे के जाते हैं, लेकिन मरीजों का वही हाल है जो आज से 15 साल पहले जब यहाँ पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी पांव पसारी, तो जो हालत उस समय थे वही हालत आज भी है जी।
लेकिन अगर हम बाकी बच्चों की बात करें जो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कभी कुछ सोचा किसी ने? नहीं नहीं सर, एकदम सब सेम वही सिचुएशन है, कोई उसमें सुधार नहीं है सर। तो एक तरह से आप समझा दे सकता है मोहम्मद हुसैन साहब की ये जो अभिभावक है जिनके घरों में मौत का तांडव देखने को मिल रहा है, उनके अंदर तो एक निराशा आ गई होगी और सरकार के प्रति एक उदासीनता। जी जी निराशा, अब सर अब उसमें विजुअल में आपको दिखेगा सर, फुल फुल एकदम निराशा है उसमें। उसमें कहीं से कोई बनाने जैसे कोई बात नहीं है। डॉक्टरों का वही कहना है कि जब भी मरीज आते हैं तो उनको संतावना दिया जाता है, वो अपना देखते हैं, फिर वही हालत हो जाता है कि एक दो दिन, हर दूसरे दिन का ये है कि हर दूसरे दिन का आंकड़ा है कि 4 मौत 5 मौत ये होते रहा। तो इससे साफ जाहिर हो रहा था कि किस तरीके का इलाज यहाँ हो रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सवाल प्रशासन पर उठ रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों की जिंदगी पर जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है दिमागी बुखार की शक्ल में, अब वक्त आ गया कि सरकार को अपनी संवेदनशीलता का परिचय देना होगा। जब बच्चा लोग स्कूल में जाला तो जो क्लासरूम होला उसमें कितना मजा आवेला, लेकिन जब बच्चा स्कूल के बाहर बैठ जाए भूख हड़ताल पर तो समझा जा सकता कि बच्चे कितने परेशान हैं। यूपी के श्रावस्ती जिले के नवोदय विद्यालय के छात्र इन दिनों भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर इनको टॉर्चर करते हैं, वक्त पर खाना नहीं देते और मांग करने पर इनकी पिटाई भी की जाती है। इन सभी मांगों को लेकर छात्रों ने स्कूल के बाहर ही स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, आखिर मुँह ही क्या है उसके पास बोलने को। तो बच्चों को मजबूरी में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि जब वो खाना मांगते हैं जो उनके हक के लिए है तो उनको भी कहीं ना कहीं से खाना नहीं दिया जाता। बाकी जो भी समस्याएं हैं समझी जा सकती कि बच्चे किस कदर परेशान हैं। और यही कारण है कि क्लासरूम के बाहर जो उनका ज्ञान का मंदिर है वहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में काफ़ी सवाल हैं, क्योंकि उनको उनके हक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही कारण है कि मजबूरी में ये बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वाले हो यहाँ आकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें मांग रहे हो, ये तुम्हारे बाप की जागीर है? यहाँ पर कई बार बताया गया है कि तुम नाली के कीड़े हो, जंगली हो, 50 साल 100 साल पिछड़े हो, तुम लोगों को कुछ नहीं आता जाता है, तुम लोग यहीं के यहीं रह जाओगे। इसके बाद मारा गया है बच्चों को, वहाँ चाहे वो दीवार हो, डेस्क हो या फिर कोई भी चीज मिल जाती है जो हाथ में, स्लीपर वगैरह हर चीज से मारा जाता है। ये बात हमारी सुन, कौन मारता है? दो तीन प्रिंसिपल सर हॉकी से मारते हैं, प्रिंसिपल सर हॉकी से मारते हैं, और मौर्या सर जूते चप्पल एक मौर्या सर जो पा जाते हैं वो चाहे जो मारा, बच्चे का कान कट गया, हमको भी मारे, लेकिन हम लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग जान लीजिए कि अगर आज हम लोग आवाज़ उठाए हैं मारेंगे तो एक दिन ऐसा आया कि हमारे गार्जियन के साथ हमें भेज दिया जाएगा और यही बताया जाएगा कि ये बदतमीज बच्चा है। सर भूख हड़ताल, यहाँ पर सर खाना भी अच्छा नहीं मिलता सर, खाने में पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है, और प्रिंसिपल सर हमेशा सर अपने उसमें चैम्बर में सर हाकी रखे हुए हैं, एक को बुलाते हैं फिर मारते हैं, फिर डराते हैं कि सभी को ऐसे ही मारेंगे सर, एक एक को बुलाकर। हाकी तो है ही नहीं ऑफिस में, हाकी नहीं है सर? नहीं सर, आपके पीछे ये बेंच के नीचे हाकी रखी है, हमने बताया इसीलिए सुबह इसमें कभी कभी आ जाती है, ये हाकी कोई लड़ाई दंगा के लिए नहीं। स्कूल का प्रांगण है कि महाभारत की दृश्य हम देख रहे हैं? वाकई कहा जा सकता है कि वाकई बच्चों को लेकर जो गंभीरता होनी चाहिए स्कूल प्रशासन में या प्रिंसिपल साहब में, क्योंकि हॉकी का स्टिक लेकर अगर कोई प्रिंसिपल बच्चों को मारता है तो समझा जा सकता है कि भविष्य कैसा होगा उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर की राप्ती नदी में रविवार शाम को नहाने गए 3 बच्चे डूब गए। घटना के बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इस मामले में उन्हें अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि ये तीनों किशोर नदी में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन नदी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो उसकी वजह से पानी में बह गए। हालांकि गोताखोरों की टीम अभी भी राप्ती नदी में बच्चों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक किसी का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। लोगों को सूचना मिली कि 3 बच्चे राप्ती में डूब गए हैं। सुबह से 10:30 बजे से घर से निकले हुए थे, इनके पिताजी काफ़ी परेशान थे, इनका हमारे मोहल्ले में इनको राजू कहते हैं, इनका बच्चा सेंट जेवियर्स में 7वीं क्लास में पढ़ता था। तो कुछ देर बाद खबर आई कि
यहाँ पर राप्ती के पास राप्ती नदी है, राप्ती नदी के जो रेलवे पुल है, रेलवे पुल के पास एक 3 बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं और 2 साइकिलें पड़ी हुई हैं। तो हम लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए, लेकिन अभी कुछ पता चल नहीं पाया है। बच्चों के चप्पल और कपड़े मिले हैं, प्रयास में हम लोग हैं कि कुछ उसका पता चले, लेकिन अभी संसाधन की कमी है, गोताखोर बता रहे हैं यहाँ उपलब्ध नहीं है जिले में। सिगरेट जिसे वहाँ लिए हैं, सिगरेट लेके बाद में यहाँ ठंडा लिए आधा लीटर दोनों लेकर आए हैं, सब यही पिए खाए हैं, पिए खाए के बाद में फिर इधर डूब गए हैं। कई लोग रहे भैया? 3 के तो क्लियर है, चौथा पता लगा था भाग गया अभी तक नहीं मिला। ये कौन सी नदी है? राप्ती। क्या हो रहा है यूपी में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यही सच है। कई बार हम बात करते हैं कि खबर अच्छी है या खबर बुरी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है पूर्वांचल एक्सप्रेस की, वो मकसद यही है हमारा कि आपको सच दिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोठवा भरतपुर गांव के बाग से 25 साल के अमित का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद की वजह से अमित ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से ठीक पहले अमित की लड़ाई उसकी पत्नी से हुई थी, जिसके बाद वो घर से बाहर निकला और वापस ही नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। क्या सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है पेड़ के डाल से जो है फंदा लगा के लटक गया है, उसकी मौत हो गई है। इस संबंध में घटना का दौरा जो है जाके तुरंत गाड़ी उन्हें कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, थोड़ी सी बातचीत की गई है। अभी ये पता लगा है कि पूर्ण विश्वसनीय समाचार नहीं है, लेकिन पता लगा है कि दिमाग से कुछ थोड़ा सा वो हल्का था और कुछ पारिवारिक कलह की भी संभावना हो सकती है। इस संबंध में अभी तहकीकात की जा रही है, पूरी जानकारी होने के बाद जो है। शाम को जब हम अयोध्या से आए हैं तो सुबह में पता लगा है कि शिवाकांत के बाग में एक लाश टंगी हुई है, फांसी लग गया। हम भी आए हैं गांव से देखने की जो है फांसी की कौन लगाया है, तो सुने हैं कि चैनपुरवा के एक लड़का है जिसकी ससुराल ककराई में है और वो जो है लेडीज से क्या बात बिगड़ा या परिवार वालों से आकर के फांसी दे दिया और 1 घंटे के अंदर लाश उतार करके। मामला तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उसने वाकई क्यों आत्महत्या की। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे फिर पूर्वांचल की खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस और इंतजार कीजिए खबरों का। खबरों की परख। मैं हूं सैयद अंजैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज। जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद एन जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में, क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज़ बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपर हिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार, पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश बिहार तमाम अपने गाँव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें, धन्यवाद। मैं हूं निर्माता निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ उदित नारायण। लेमन चैनल पर पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए मेरी हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। हाय, मैं लुक लाइक सचिन तेंदुलकर 11 न्यूज पर पूर्वांचल एक्सप्रेस को मैं शुभकामनाएं देता हूं।
लेमन चैनल की तरफ से पूरांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूरांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूरांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूरांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो ब्रेक के बाद रहुआ लोगों के बहुत बहुत स्वागत पा रहुआ देख रहा बानी का पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए आगे बढ़ा बतानी गाड़ी। महोबा में ऐतिहासिक कजरी मेले का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी वीरेश्वर सिंह और पुलिस अधीक्षक के गहलोत साहब ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया, यानी उद्घाटन किया। शहर के कई इलाकों में शोभा यात्रा निकाली गई धूमधाम के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ। महोबा में कजरी मेला विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। बहुत पुराना है, सन 1192 में जब पृथ्वीराज दिल्ली के राजा थे और महोबा पर चढ़ाई किए थे, तो यहाँ के राजा परिमल देव वर्मन की बेटी का डोला चाहते थे। आला उदल यहाँ पर नहीं थे, कन्नौज से बुलाए गए रानी मलहना और चंद्रावल जो परिमल देव वर्मन की बेटी थी, दोनों ने उनको बुलाया और जब वो दोनों आला और उदल आ करके पृथ्वीराज को हराए और पृथ्वीराज का बेटा यहाँ मारा गया, उस जीत के उपलक्ष्य में कजरी चलाई गई और तब से आज तक ये कजरी महोत्सव जनपद महोबा में मनाया जा रहा है। मेला में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, लाखों की भीड़ है, व्यवस्था अच्छी है, सब सब कुशल संपन्न होगा और लोग अपना इंजॉय करेंगे। मेले में सभी तैयारियां हो चुकी हैं, आज शुभारंभ हो गया मेले का, आज से 4 दिन तक मेला है और जो लोगों में देखने को मिल रहा है बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है, हमेशा ऐसे मनाया जाएगा और प्रशासन का मुझे सहयोग मिलता जा रहा है। और एक बात मैं माध्यम से इनके कहना चाहती हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि अभी सर लोगों ने थोड़ा सा असमंजस जताया इस बात में कि यहाँ लोगों का ऐसा नहीं, भीड़ भाड़ बहुत रहती है तो अनकंट्रोल हो जाए, तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये आला उदल की ऐतिहासिक नगरी है, कभी ऐसा होगा भी नहीं और ये मेला हमेशा चल। आजकल पूरा देश में एगो बड़का समस्या देखे के मिले बला कि जंगल कटाई के जो काम बा लगातार बढ़त बा, और जब जंगल की कटाई होती है या फिर जंगल के ऊपर खतरा होता है तो जाहिर सी बात है जानवरों को तकलीफ होती है और यही कारण है कि आजकल जंगली जानवर बस्तियों तक पहुंचने लगे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। बहराइच के एक गाँव में इन दिनों तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। तेंदुए के खौफ से ग्रामीणों का घर से निकलना दुभर हो गया है। जाहिर सी बात है सबको टेंशन होता है कि कब तेंदुआ आ जाए। इसी बीच खेत में जा रहे ननकऊ नाम के एक युवक पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। युवक की आवाज सुनकर यानी चीख पुकार सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे, भीड़ देखकर तेंदुआ युवक को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। फिलहाल युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो तेंदुओं के आतंकी हफ्ते भर में यह तीसरी घटना बताई जा रही है। इस घटना पर वन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो वन विभाग के पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि देने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तेंदुओं का आतंक इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि उनके लिए जंगल अब उनकी तरह से नहीं रह गया है, यही कारण कि वो मजबूरी में बस्तियों तक चले आते हैं। खेत में जा रहे थे उसी समय तेंदुए ने आकर के इन्हें अटैच कर दिया और गला भी दाब दिया, सर में काफ़ी चोट भी आ गया। उसके बाद में किसी तरह मुक्का से मारे तो तेंदुआ ने हटा के क्या हुआ, उसके बाद में सर निश्चिन घर पे लड़खड़ाते किसी तरह आया, बस बेहोश हो गए। उसके बाद में फिर गांव घर में सूचना मिला, उसके बाद में हम लोग तत्काल वहाँ पहुँचे, बस तुरंत गाड़ी की व्यवस्था करके इनको मेहरुआ अस्पताल पहुँचाया गया और वहाँ से थाना या मूर्तिया कोतवाली के अंतर्गत आता है सर, उसके बाद वहाँ से रिफर कर दिए बहराइच हम लोग लेकर के तत्काल पहुँचे और वन विभाग की टीम की तरफ से 5,000 रुपये तुरंत सहायता वहीं मेहरू अस्पताल में दिए। एक बार वन विभाग को हम लोग शिकायत किए लेकिन
तेंदुए ने बराबर हमला कर रहा है आए दिन, कभी छगड़िए तो कभी कुछ, कभी बच्चे तो कभी, अभी 15 दिन पहले भी एक गंगापुर के एक मझाव कॉलोनी में भी ऐसे हादसा हुआ, वो भी लैट्रिन के बहाने खेत में गई थी लड़की, उसको भी यही हाल हुआ। आए दिन ये शिकायत मिल रही है, आए दिन हम लोग मतलब तेंदुए के शिकार हो रहे हैं, इसका कोई अभी तक कुछ हो नहीं। ये सुबह अपने खेत को जा रहे थे तो 5:30 बजे करीब इनको तेंदुए द्वारा घायल हो गए, जिसको तुरंत वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सूचना मिली जो जिला अस्पताल में ले आकर के भर्ती कर दिया गया, और इनको आर्थिक सहायता के रूप में अधिकारियों द्वारा 5,000 रुपये तत्काल। ऐसे में इना बोल जा सकेला कि जंगल में मंगल इतना दंगल हो गए भाई, चल आगे बढ़ता नहीं। बागपत जनपद के एक दलित परिवार द्वारा खाप पंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका का मामला इन दिनों तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ इस मामले का संज्ञान खुद प्रदेश के मुखिया ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी भी मैदान में उतर आई है। पहली बार पीड़ित परिवार मीडिया से रूबरू हुआ और पंचायत के फरमान के बारे में पूरी जानकारी देते हुए अपनी जान का खतरा बताया। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने पीएससी की तैनाती करवा दी है, साथ ही दोनों पक्षों को बुलाकर शांतिपूर्ण ढंग से फैसला करवाने का आश्वासन दे दिया गया है। के बीच में प्रेम प्रसंग की बात आई थी और उसके बाद कदील चला गया था। लड़की के वापस आने के बाद से तत्काल तो अब जो है इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि गांव में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, एहतियात के तौर पर वहां पर पुलिस बल लगाया गया था, अभी पीएससी भी वहां लगाई गई है, और जाके जैसा कि गांव में अगर आप भ्रमण करें तो वहां पे आपको किसी प्रकार के तनाव की कोई दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अंदर पृष्ठभूमि में क्या हो रहा है उसको ध्यान रखते हुए वहां पर लाइव के माध्यम से भी जानकारी की जा रही है। कोशिश ये हो रही है कि दोनों पक्ष आमने सामने आएँ, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय एक दूसरे की बात को समझें और इस मामले को निस्तारित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक साहब ने शामली पहुंचकर एक नया अपना काम दिखाने की कोशिश की। राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश की रोजगार योजना कौशल के अलावा कई योजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं राम नाईक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि सूबे में जल्द ही कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि लगातार जिस तरह से सरकार और राज्यपाल के बीच अनबन की खबरें आ रही थी, अब उसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि अब कानून व्यवस्था की बात उन्होंने मानी है कि सुधारने की जरूरत है। कानून व्यवस्था का ये प्रश्न है और कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा का जो अधिवेशन हुआ उसमें भी बताया है कि वो कोशिश कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि उस प्रकार से प्रदेश में कानून की व्यवस्था और अच्छी हो, सुधर। तो देखल जाए तो हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग क्षेत्र में बढ़त जाता, लेकिन अगर हम दिशा की बात करते हैं तो अलग अलग दिशा में जाने की बात आज उजागर हो रही है। भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन खबरों के इस सफर में हम आपको चलते चलते एक गीत के साथ छोड़ जाएंगे जिसमें भी यही सवाल है कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो देखिए इस गाना को और लीजिए आनंद और मुझे दीजिए इजाजत। राम राम। नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया,
उठेगा तोरा अंग हो करने का तो से नाता है गुजरिया तंग करने का तो से नाता है गुजरिया